टॉपिक नंबर 18.7 इज़ फिशन रिएक्शन। सो फिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक डाउन हो जाए सिंपली टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये हमारा है फिशन रिएक्शन। जबकि फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बना दे। तो जो सन है उस पर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते ही रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन करके टू स्मॉलर जो मैसेस में डिवाइड हो जाता है, या टू स्मॉलर मैसेस कंबाइन करके जो है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली फिशन रिएक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग रेडियो आइसोटोप लेते हैं U-235। ठीक है, यानी यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप। अब ये क्या करता है कि इसके ऊपर जस्ट एक न्यूट्रॉन अगर फॉल करे तो न्यूट्रॉन फॉल करने की वजह से इसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, और चेंजिंग किस तरह से आती हैं कि ये यूरेनियम जो है वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट पे चला जाता है और U-236 वाला आइसोटोप बना देता है। ठीक है, फिलहाल हमने ये यूरेनियम 235 लिया। ठीक है, एंड इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक यूरेनियम कंपोज हो गया जो कि 236 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम 235 था, वन जो है नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब किया, सॉरी न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब किया एंड ये हो गया 236। सो यूरेनियम का 236 आइसोटोप बन गया। बट ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा एंड अल्टीमेटली ये दो स्मॉलर मैसेस को क्रिएट करवा देगा। ठीक है, लेट सपोज ये एक्स है, ये वाई है एंड इसके साथ क्या होते हैं कि 3 न्यूट्रॉन्स एमिट करते हैं। सो इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, जस्ट एक न्यूट्रॉन लिया जिसको यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड करवाया एंड उसकी वजह से 236 यूरेनियम जो है प्रोड्यूस हुआ जो कि स्टेबल नहीं था एंड अपने आप को टू मैसेस में उसने डिवाइड किया विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। सो अगर हम इसको सिंपली देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को फॉल करवाया यूरेनियम 235 पे। ठीक है, एंड इसकी वजह से बेसिकली जो बन रहा है वो है दो स्मॉलर मैसेस एंड 3 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखें कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवा दिए और एक न्यूट्रॉन U-235 से रिएक्ट कर रहा था। अब क्या होगा कि ये जो 3 प्रोड्यूस हुए हैं नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स, ये फर्दर आगे यूरेनियम 235 पे फॉल करेंगे। ठीक है, 235 अगेन क्या करेंगे, ये क्योंकि ये न्यूट्रॉन फॉल कर रहे हैं तो दो स्मॉलर मैसेस प्रोड्यूस होंगे विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। अगेन इसके ऊपर ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इसने इस तरह से 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी न्यूट्रॉन इसके ऊपर फॉल कर रहा था, इसने 2 मैसेस प्रोड्यूस किए विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। अगेन ये जो सिर्फ एक न्यूट्रॉन है वो 235 से रिएक्ट कर रहा था, सो 2 स्मॉल मैसेस प्रोड्यूस हुए विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। सो जस्ट अगर हम देखें कि एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया 235 यूरेनियम 235 से, उसने 3 प्रोड्यूस किए न्यूट्रॉन जिन्होंने आगे फर्दर रिएक्शन किया, सो 9 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए। सो इसी तरह ये 9 न्यूट्रॉन्स भी क्या करेंगे, फर्दर आगे यूरेनियम के साथ रिएक्ट करते जाएंगे और 3 क्वांटिटी में और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते जाएंगे और ये रिएक्शन जो है वो हमारा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक न्यूट्रॉन से फर्दर पूरा चेन रिएक्शन चलता ही जाएगा। ठीक है,
यूरेनियम जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सारे न्यूट्रॉन्स जो हैं एब्जॉर्ब होते जाएंगे उस यूरेनियम में, एंड फर्दर वो यूरेनियम जब ब्रेक करके स्मॉलर मैसेस प्रोड्यूस करेगा उसके साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन्स और एमिट करता जाएगा. सो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी. एंड इस केस में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 200 MeV, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है. अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें उसमें भी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती जितनी हमारे फिशन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो अगर हम जस्ट एक सिंपल जो बॉम्ब वगैरह हैं उनकी बात करें उसमें भी क्या होता है कि जस्ट एक न्यूट्रॉन आगे फर्दर रेडियो आइसोटॉप्स के साथ बम्बार्डमेंट करके एक्सप्लोजन क्रिएट करता रहता है विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जिसकी वजह से ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो तबाह हो जाती हैं. और क्या होता है कि इस ये वाला जो हमारा रिएक्शन है ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट करता रहता है और बहुत ज़्यादा जब रिएक्शन हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट में जो है हीट भी एमिट हो रही है और लार्ज अमाउंट में ये रिएक्शन भी चलता जा रहा है. सो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है चीज़ों को. सो अब अगर हम सिर्फ U235 की बात करें और उसका भी हम जस्ट 1 किलोग्राम लें, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 जो है वो एमिट करता है एनर्जी 6.7 × 10⁻¹⁰ ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. अगर जस्ट सिर्फ 1 किलोग्राम जो है यूरेनियम आइसोटोप नंबर 235 को यूज़ किया जाए. ठीक है, सो इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है अगर हम इस एनर्जी को कंज्यूम कर लें. ठीक है, क्योंकि ये तो वेस्ट है. ठीक है, हम इसे कोई काम नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस करें कि इस एनर्जी से भी हम वर्कआउट करवा सकें तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि हम टर्बाइंस को भी रन कर सकें, हम इसको यूज़ करके डिफरेंट जो है इंजन्स वगैरह जनरेट कर लें जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, वाटर्स जो हैं वो उनको हाई से लो की तरफ फॉल करवाया जा सके ताकि टर्बाइंस मूव करें. सो इस एनर्जी को अगर सिर्फ हम यूज़ कर लें तो हमारे लिए वो इनफ होगी तमाम काम करने के लिए. बट इस एनर्जी को कंज्यूम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स और इस तरह की जो मशीनरी नहीं है लेटेस्ट मशीनरी कि वो इस एनर्जी को यूज़ कर सके. सो ये इतनी एनर्जी जो है वो हमारे लिए हम ख़तरा भी है क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो अगर हम सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को देखें तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि अगर हम 1 टन कोल ले लें, ठीक है, सो वो जस्ट प्रोड्यूस करता है 3.6 × 10⁻¹⁰ जूल. ठीक है, अब देखें कि इसमें कितना डिफरेंस है कि अगर हम लोग इसको अर्थ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग 1 टन कोल को यूज़ कर रहे हैं, उसको बर्न करवा रहे हैं, तब हमें 3.6 × 10⁻¹⁰ जूल एनर्जी मिल रही, जबकि अगर हम लोग सिर्फ यूरेनियम का 1 किलोग्राम यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसको हम फर्दर वर्क में कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम को यूज़ कर लिया जाए एज़ कम्पेयर टू कि हम 1 टन कोल को यूज़ करें. अब क्या होता है कि क्योंकि ये रिएक्शन तो हमारा अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है, बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट तरह की रॉड्स लगा दी जाती हैं. 235 मोस्टली कैडमियम वगैरह की रॉड को यूज़ किया जाता है. एंड कैडमियम वगैरह क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फर्दर रिएक्ट नहीं होने देते. ठीक है, एब्जॉर्ब 235 भी करे बट वो अनस्टेबल फॉर्म में चला जाते हैं, यानी U236 बन जाता है जो कि फर्दर हमारे मैसेस में डिवाइड हो जाता है. बट कैडमियम वगैरह बोरॉन वगैरह के रॉड्स को मोस्टली यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. और जहाँ पे हमें रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ तक हमारा रिएक्शन हो, ठीक है, कि दो मैसेज प्रोड्यूस हुए विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड ख़त्म हो जाए, सो उसी जगह पे कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स को प्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ये रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है और यहाँ से
इस तरह से हमारे पास सिर्फ इतना रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं. सो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट तरह के मटेरियल को यूज़ करना पड़ता है. अब हमने बात की कि एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया U-235 पे और हमारे पास टू मैसेज प्रोड्यूस हुए. अब वो टू मैसेज कौन से हैं? वो बेसिकली हमारे पास है क्रिप्टॉन एंड बेरियम. ठीक है. सो जब भी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है U-235 के साथ, तो हमारे पास एक क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है, एक बेरियम प्रोड्यूस होता है विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, जो कि आगे फर्दर हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये तमाम रिएक्शंस जो क्या हैं वो हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर हम लोग उनको जस्ट कंट्रोल कर लें. ठीक है. जो भी काम कंट्रोल वे में होगा वो हमें हेल्पफुल होगा हमारे लिए. सो इससे इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है उसको भी कंज्यूम किया जा सकता है. सिंपली अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को हम कंट्रोल्ड वे में उसकी एनर्जी को यूज़ करें तो वो भी बहुत हेल्पफुल है. ठीक है. और फर्दर यूरेनियम 235 को जब बम्बार्डमेंट करवाई जाती है न्यूट्रॉन से, तो प्रोड्यूस होने वाले टू स्मॉलर मैसेज को भी फर्दर बहुत जो है वो यूज़ किया जा सकता है इन डिफरेंट पर्पसेस. सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द फिशन रिएक्शन.